हे गाइस, ऋषिकेश की गलियों में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के मंदिर पे जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल टैक्सी के द्वारा। तो यहाँ पे ट्रेवल एजेंसी है और यहाँ से 200 रुपये किराया लगता है आगे जाने के लिए। आप लोगों को पीछे का व्यूज काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए हम अब नीलकंठ महादेव में पहुँच के ही आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे वहाँ का व्यू, वहाँ का नज़ारा। तो काफ़ी खूबसूरत वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनली लंबा वेट करने के बाद अब हम लोगों को टैक्सी मिल गई है और हम लोग नीलकंठ महादेव के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है, तो आप लोगों को मैं बैक के वीडियो से दिखाता हूँ, बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। और आप लोग ऐसे ही वीडियोस पे बने रहें क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा, अगर आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू दिख रहा होगा। आप लोगों को पीछे का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, तो इतनी ऊपर पहाड़ियों पर इतने सारे घर बने हुए हैं और इधर काफ़ी सारे श्रद्धालु नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो आगे हम लोग भी जा रहे हैं और साथ में आप हमारे साथ बने रहे तो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ दिखाया जाएगा, A to Z आपको यहाँ पर दर्शन करवाया जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को हमारे पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत है उत्तराखंड का। हम लोग नीलकंठ महादेव के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त नज़ारा है। तो आप लोग को पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा हमारे, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना, आप लोग लास्ट तक देखना। सो फाइनली 22 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद पहाड़ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पर। तो आप लोगों को पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, तो काफ़ी ऊपर चोटियों पे हम लोग चढ़ चुके हैं, 22 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं। तो अब हम आगे आप लोगों को मंदिर की तरफ ले जाते हैं, तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से सब कुछ दिखाता हूं। और टैक्सी स्टैंड से 1 किलोमीटर चलने के बाद अब फाइनली हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर परिसर पर। तो आगे मैं आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से दिखाऊँगा कि और नीलकंठ महादेव का दर्शन भी कराऊँगा। तो अंदर आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर के, तो आप लोगों को कैमरे के माध्यम से सब कुछ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मंदिर जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन को पार करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन पे अब मैं लगने जा रहा हूँ सबसे पीछे, तो यहाँ पे समथिंग 1-2 घंटे लग जाएंगे। रूल फॉलो कौन करता है? एक घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पर। तो आप लोगों को आगे भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से वहां पे दिख रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो आगे मैं मोबाइल का कैमरा ऑन तो नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोगों को इतना दर्शन मैं करवा सकता हूँ। अभी हमारे पीछे काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं, काफ़ी सारे लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए पीछे मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से नीलकंठ महादेव। फाइनली यहाँ भी आप लोग दर्शन कर लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ये
दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने टैक्सी स्टैंड। अब यहाँ से फिर से मुझे हम लोग की टैक्सी मिल जाएगी और हम लोग वापस ऋषिकेश की ओर चले जाएंगे। तो एक बार मैं लास्ट टाइम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, चारों साइड आप लोग देख लीजिए। और यहीं से इस वीडियो को मैं समाप्त भी कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने नीलकंठ महादेव मंदिर घुमा दिया है और आप लोग बड़े अच्छी तरीके से घूम चुके होंगे। और अभी आप लोगों को बहुत कुछ घुमाना बाकी है, तो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो पे घुमाऊंगा। और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें। और आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं आप लोगों को पूरा इंडिया का टूर करवाऊँगा और पूरा इंडिया घुमाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली नई वीडियो पर।